हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आप सभी के NIUS DLED कोर्स नंबर 504 के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो में हम भाग दो की चर्चा करेंगे। भाग एक आप सभी के चैनल पे अपलोड हो चुकी है और जैसे कि आप सभी को पता है, हम आप सभी के कोर्स नंबर 504 के प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं। तो सारे के सारे प्रश्नों को आप देखें और उन सभी प्रश्नों के उत्तर को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं भाग दो के साथ। अगर आप सभी ने पहले भाग को या कोर्स नंबर 505 के हमारे पार्ट्स को नहीं देखा है तो जाएं अपने चैनल पे देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पे क्लिक करें और बगल की बेल की बटन को प्रेस ज़रूर करें, साथ ही साथ वीडियो लाइक भी करें। तो सबसे पहले आप सभी को पता है, आप सभी के चैनल पे गिव अवे होता है, तो आज के गिव अवे का क्वेश्चन है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11। जब दो कोणों की माप का योग 90 डिग्री होता है तो ऐसे कोण को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है समकोण, दूसरा है पूरक कोण, तीसरा है संपूरक कोण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में। सही आंसर होगा पूरक कोण। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। जब दो कोणों की माप का योग 180 डिग्री होता है तो ऐसे कोणों को क्या कहते हैं। चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे हैं, सही बताएं कि क्या होगा इसका आंसर। अधिक पूर्ण, पूरक कोण, संपूरक कोण, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूर्ण नहीं होगा, यहाँ पे होगा कोण। तो इसका सही आंसर बताएं क्या सही आंसर होगा इस प्रश्न का। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी संपूरक कोण। अगला प्रश्न देखें, शिक्षा का अधिकार कानून कब बना था। 2004 में, 2009 में, 2006 में, इनमें से कोई नहीं। इसका आप सभी को आंसर पता होगा, सही उत्तर होगा 2009। अगला प्रश्न देखें, व्यंजक लिखिए। संख्या a तथा b के गुणनफल से उनके योग घटाए जाएं। एक्सप्रेशन आपको लिखना है, अब काफ़ी सिंपल होता है। तो संख्या a तथा b के गुणनफल से उनके योग घटाए जाएं। चार ऑप्शन है आपके पास, कौन सा सही होगा आराम से वीडियो पॉज करके देखें और नीचे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। तो सही उत्तर होगा सी, सीधा है, संख्या ए तथा बी के गुणनफल से उनके योग घटाए जाएं। तो यहाँ पे आपका थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखें, व्यंजक लिखें। इसमें भी आपको एक्सप्रेशन लिखना है, एक्स तथा वाई के गुणनफल के दुगुना 8 जोड़ा गया, यानी एक्स तथा वाई के गुणनफल के दुगुना 8 जोड़ा गया। एक्सप्रेशन आपकी स्क्रीन पर है, आराम से देखें और नीचे कमेंट करें वीडियो पॉज करके। तो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर होगा कैसे, देखिए एक्स तथा वाई के गुणनफल के दुगुना को 8 से जोड़े, तो बिल्कुल सही है 2xy+8। अगला प्रश्न देखें, गणित में तर्क की विशेषता है। पहला ऑप्शन है सरलता, दूसरा है शुद्धता, तीसरा है मौलिकता, चौथा है तीनों। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी तीनों, सरलता भी है, शुद्धता भी है और मौलिकता भी है। अगला प्रश्न देखें, गणित में समस्याओं का एक निश्चित उत्तर होता है, अनिश्चित उत्तर होता है, स्पष्ट उत्तर होता है, कोई उत्तर नहीं होता। इसका आंसर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में। इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी को पता ही होगा, सही उत्तर होगा निश्चित उत्तर होता है। अगला प्रश्न देखें, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे। भागलपुर के, देहरादून के, पटना के या त्रिपुरा के। अगर आप मैथ्स के टीचर होंगे तो आपको ये पता ज़रूर होगा। अगर मैथ्स के टीचर नहीं भी हैं, मैथ्स अगर आपने पढ़ी है तो किसी ना किसी NCERT बुक में आर्यभट्ट को लेके आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो इसका भी आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पटना। अगला प्रश्न देखें, एक एक नियम डैश शिक्षण की एक विधि है। बीजगणित, अंकगणित, ज्यामिति, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताएं, सही उत्तर आप सभी को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी, अंक गणित। अंतिम प्रश्न देखें, बीज गणित का आधार डैश है। ज्यामिति, एक एक नियम, पाइथागोरस प्रमेय, इनमें से कोई नहीं। प्रमेय का मतलब होता है थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आप सभी ने सुना होगा। तो प्रश्न का उत्तर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज करके, सही उत्तर होगा इसका, जल्दी बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में। मैं चाहता हूं कि सभी के सभी कमेंट करें। तो प्रश्न है, बीज गणित का आधार डैश है, ज्यामिति, एक एक नियम, पाइथागोरस प्रमेय और अंक गणित। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे अंक गणित होगा और सही उत्तर होगा इसका अंक गणित।
तो आई एम सॉरी फॉर दैट, टाइपिंग में मिस्टेक हो जा रहा है कभी कभी, बट चलिए मिस्टेक होता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपको अंक गणित, बीज गणित का आधार अंक गणित होता है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें हमने 50-50 रखा था, 50% आपके PDF से हमने 5 क्वेश्चंस बनाए थे और 50% जनरल क्वेश्चंस थे। तो इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना होगा। और इसकी PDF के लिए आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में WhatsApp की लिंक आपको दी हुई होगी और साथ ही साथ आपको इसके आंसर भी मिल जाएंगे। और इस नंबर को नोट डाउन कर लें, 9471600880। इस नंबर पे आपको मैसेज नहीं करना है, इस नंबर को आपको अपने स्टडी सेंटर के ग्रुप में जोड़ देना है ताकि जो वीडियो आप देख रहे हैं वो वीडियो आपके स्टडी सेंटर के सारे मेंबर्स देख सकें और उनका भी एग्ज़ाम अच्छे से जाए। तो इस नंबर को अपने स्टडी सेंटर के ग्रुप में ऐड कर देंगे। और अगर आप सभी ने इस वीडियो को देखा है, इस वीडियो को पसंद किया है, तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने फेसबुक आईडी पे, व्हाट्सएप पे शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें। आप सभी हमें फेसबुक पे फॉलो करें, हमारे फेसबुक के पेज को लाइक करें, रिव्यू करें, अच्छी अच्छी बातें जाके लिखें फेसबुक के हमारे पेज पे कि चैनल कैसा है, क्या है, ताकि फेसबुक पेज भी आगे बढ़े। ट्विटर पे हमें फॉलो करें, अपने चैनल के फॉलोअर्स बढ़ाएं। व्हाट्सएप पे आप सभी जुड़े हैं, जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम पे फॉलो करें, यूट्यूब में जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करें। इंस्टाग्राम पे अगर आप हमें मैसेज करते हैं तो तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। आपके सर इंस्टाग्राम काफ़ी यूज़ करते हैं, तो इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और जाने से पहले एक बार फिर आज के गिव अवे का क्वेश्चन है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, जय हिंद, लॉन्ग लिव इंडिया।